जय हिंद, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ मैं जानवी। चलिए बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महालक्ष्मी मेडिकल कॉलेज में झांसी की कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस महामारी से निपटने के लिए सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। बिना सभी के सहयोग से इस महामारी से निपटना असंभव है। हमें प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में सभी के प्रयास से इस महामारी को काबू में किया जा रहा है। अपेक्षा से अधिक सफलता प्रदेश को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकार इस कोशिश में जुटी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन तथा उसकी जीविका को बचाया जा सके। इसके लिए केंद्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हर संभव संसाधन से कोरोना संक्रमण को काबू करने का प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाया गया है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित किया जा सके। केंद्र सरकार प्रत्येक देशवासी का इस आपदा के दौर में ध्यान रख रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट खाद्यान्न देने की घोषणा की गई है। 1 जून से उत्तर प्रदेश की सरकार जुलाई तक उत्तर प्रदेश में रहने वाले 15 करोड़ पात्र लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 जून से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नौजवानों को कोरोना टीका लगाए जाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 1.62 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ दिया जाएगा। अभी तक 10 लाख से अधिक युवाओं को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। हमने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे पूरी सक्रियता के साथ लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रदेशवासी कोरोना का टीका लगवा कर खुद को सुरक्षित कर सके। ग्राम स्तर तक जन जागरूकता फैलाने तथा लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए हमने कॉमन सर्विस सेंटर का माध्यम बना दिया है। इस कॉमन सर्विस सेंटर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क रखी गई है। हमारी कोशिश है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत कोरोना टीकाकरण के मामले में जागरूक हो और कोई भी आखिरी छोर का व्यक्ति भी ऐसे ना बचे जो टीकाकरण से वंचित हो जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली लहर आने के बाद इससे बचाव के लिए जो उपाय बताए गए थे उनका यदि अक्षरशः पालन होता रहा तो आज स्थिति बेकाबू नहीं होती। इसके बाद भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसमें पॉजिटिविटी लगातार कम होती चली गई और रिकवरी रेट लगातार बढ़ता चला गया। आज की स्थिति में प्रदेश देश के अन्य राज्यों से कई ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के लिए भी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हमने बच्चों के लिए पीकू वार्ड तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। सभी के सहयोग से सदी की इस महामारी पर हम काबू पा लेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह कोरोना के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन करें। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग, गर्भवती महिलाएं तथा 10 साल से छोटे बच्चे घरों के बाहर ना निकलें। इसके अलावा यदि कोई आवश्यक कार्य से निकलता भी है तो चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं। गंभीर रोगों से ग्रसित लोग घरों में रहने के बाद भी मास्क लगाकर ही रहें। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी के सहयोग से सदी की इस महामारी पर विजय पा ली जाएगी। हमारा लक्ष्य व्यक्ति के जीवन को ही नहीं बल्कि उसकी जीविका को भी बचाना है। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने की जो नीति है उसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं और कोरोना कर्फ्यू को इसलिए 31 मई तक सुबह 7 बजे तक हम लोगों ने बढ़ाया है। इसमें हमारी आवश्यक सेवाएं चल रही हैं, उद्योग हमारे चल रहे हैं, परिवहन निगम की बसें उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं, सब्जी मंडी, फल मंडी, गेहूं क्रय केंद्र, कोटे की दुकान, ये सभी हमारे संचालित हो रहे हैं। लेकिन सब में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए व्यवस्था दी गई है।